मंच ने सीमा सुरक्षा, एकता, अखंडता तथा देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करने के लिए सीमा सुरक्षा चेतना रथ यात्रा निकाली है, जिनमें से एक यात्रा 19 अप्रैल से नक्सलवाड़ी से चली और दूसरी यात्रा 18 अप्रैल से नारायण आश्रम धारचूला से चली। दोनों चेतना रथ यात्रा भारत नेपाल के सभी सीमा पर लोगों को सीमा सुरक्षा चेतना यात्रा के माध्यम से जागृत किया और रविवार को दोनों यात्रा रथ नौतनवा इंटर कॉलेज के प्रांगण में पहुंची, जहां कस्बे वासियों ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम से शुभारंभ में भारत माता की प्रतिमा के सामने दीप और माला लगाकर राष्ट्र गीत के साथ शुरू हुआ। यात्रा के मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत और नेपाल दो देश हैं, परंतु एक आत्मा है। हमारी संस्कृति, परंपराएं, इष्ट देव तथा पूर्वज भी सनातन काल से एक समान है। हम एक ही राम, कृष्ण, शंकर तथा बुद्ध की संतान है। हमारा भला बुरा, लाभ हानि एवं सुख तथा दुख भी समान है, इसलिए हमारे शत्रु तत्र मित्र भी समान है। भारत धर्म का देश है। धर्म का संचालन, धर्म की स्थापना में संतों की मुख्य भूमिका है, तो समाज का आधार उससे रखा जाता है। ये चर्चा हमसे संतगण करेंगे, इसलिए उनको कष्ट दिया गया। भारत से लोग पशुपतिनाथ, मनोकामना तथा नेपाल से हरिद्वार, काशी, मथुरा, अयोध्या, रामेश्वरम दर्शन करने आते हैं। इसलिए हमें ही ध्यान रखना है कि हमारा रिश्ता मजबूत हो तथा कोई भी दुष्ट हमारी सादगी और सद्भावना का लाभ उठाकर हमारे बीच वैमनस्य भाव ना पैदा कर सके। ऐसे कट्टरपंथ तत्वों के दबाव में हमारी सीमा पर अपराध फल फूल रहे हैं। तस्करी होती है, नशीले पदार्थ और नकली नोटों की आवाजाही होती है। सीमा पर जानबूझकर तनाव पैदा किया जाता है ताकि हमारा संबंध बिगड़ जाए और इसका लाभ कोई और उठाए। हमें सब खतरों से बचना है और सावधान रहना है। इस अवसर पर मुख्य रूप से इंद्रेश कुमार, पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर गोपाल दास, अधिकारी नेपाली संस्कृत परिषद, पूर्व कुलपति उदय प्रताप सिंह, सतीश धार दुबे, विकास गोयल व सैकड़ों सीमा जागरण मंच के सदस्य मौजूद थे। दीपक मदेशा की रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश, महाराजगंज।